हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बेस्ट ग्रीन गार्डन में आपका स्वागत है। मैं अंकुश, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये रोज जो गर्मियों की वजह से कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये एडी नीम के फूल, ये वाइट रोज और कुछ हल्के पिंक रोज, गर्मियों की वजह से इस तरह से आ रहे फ्लावर। दोस्तों, गर्मियाँ काफ़ी है तो इनकी पत्तियाँ भी सूख चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसलिए मैंने इन पर छाया के लिए ये नेट लगाया हुआ है। दोस्तों, फिर भी कुछ बर्ड्स आ रही है, कुछ नए बर्ड्स जो आप देख सकते हो निकल रही है। और फ्रेंड, कुछ बर्ड्स ये है, आज अप्रैल की 28 तारीख हो चुकी है और गर्मी काफ़ी तेज़ है, तो फ्रेंड फ्लावरिंग होना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कुछ फूल आ ही रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये पोटो लुगा के ये गर्मियों के प्लांट है और बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं इसके। और ये मेरे पास वाइट मिनीचर रोज, बटन रोज भी बोलते हैं इसको। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं ये। और फ्रेंड, एक बटन रोज हो रहा है मेरे पास, ये थोड़ा पिंक कलर में। गर्मियों के कारण मेरी गोल्ड के पत्ते भी सूख चुके हैं और फ्लावर भी। और दोस्तों, कुछ टमाटर अभी भी आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। काफ़ी टमाटर आ रहे हैं अभी भी। और फ्रेंड, जो फ्लावर आते हैं गर्मियों में तो कुछ एक या दो दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसा कि आप इनकी पत्तियों को देखकर समझ सकते हो। धूप काफ़ी तेज है तो दोस्तों छांव का प्रबंध करना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने दोस्तों ये नेट लगाया हुआ है, ये ग्रीन नेट। इससे काफ़ी हद तक पौधों का बचाव होता है। और दोस्तों, गर्मियों में पोटो लुका के प्लांट काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोस्तों, ये मेरे छुई मुई का प्लांट था, इसको मैंने छांव में रखा है। धूप में रखने से इसकी पत्तियां पीली पड़ के गिर चुकी थी, गिर गई थी पत्तियां। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है दोस्तों ये, बहुत ही सुंदर। और इसके हाथ लगाने पर इसकी पत्तियां मुरझा जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि देखना आप। अभी शायद मूवमेंट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है,
जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसने अपनी पत्तियों को बंद कर लिया है। तो दोस्तों, गर्मियों में भी फ्लावर तो आते हैं, पर जो फ्लावर आते हैं वो थोड़ा कम साइज के होते हैं, छोटी साइज के होते हैं, और गर्मियों के फ्लावर अलग होते हैं दोस्तों। जैसे कि ये पोर्टल होगा, ये गर्मियों के फ्लावर है, काफ़ी सुंदर फ्लावर आते हैं इनको अंदर गर्मियों में। गुलाब के कुछ छोटे आ रहे हैं, गुलाब क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा आते हैं गुलाब पर फूल, और गर्मियों में भी आ ही रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। और कुछ एक बर्ड्स भी है, कुछ रोज़ प्लांट दोस्तों मेरे सूख चुके हैं। ये केयर करने के बाद भी सूख गया दोस्तों। ये सब ग्राफ्टेड रोज़ है, इन पर काफ़ी बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, पर इन पर सर्दियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, गर्मियों में तो नाम मात्र फ्लावरिंग होती है इनके अंदर। तो दोस्तों, अभी गर्मियों में अपने प्लांट पर छांव रखें, नेट का प्रबंध करें, और पानी का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। हो सके तो गर्मी में सुबह शाम पानी डालें, क्योंकि गर्मी तेज़ होने से पानी की कमी से पौधे की पत्तियां सूखकर मुरझा जाती है, और फिर पौधों के मरने की संभावना, ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये फ्रेंड, मैंने कुछ बोगनवेल की कलमें लगाई थी, ये अलग अलग कलर की है और काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो, नई लीफ, नई पत्तियाँ। इसमें दोस्तों रेड, येलो, वाइट और पिंक कलर की, पिंक और एक मैरून कलर की कलम लगाई हुई है फ्रेंड, और काफ़ी अच्छी तरह से पत्तियाँ निकल रही है इसकी। तो फ्रेंड, पौधों को छांव वाले स्थान पर रखें जहाँ पर कम धूप आती हो, और पानी का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गर्मियाँ हैं। और नेट का प्रबंध ज़रूर करें तो आपके पौधे काफ़ी अच्छी तरह से रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड, मेरे पास अभी भी टमाटर आ रहे हैं कुछ, और कुछ काफ़ी बड़े साइज के टमाटर भी हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। और भी फ्रेंड, अगर मैंने तोड़ता नहीं हूँ तो गिलेरिया आती है मेरे यहाँ पर, गिलेरिया खा लेती है इनको। गिलेरिया फूलों की बर्ड्स को भी खा जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ प्लांट,
और दोस्तों मैंने कुछ सीड्स ग्रो किए थे, उनसे जो प्लांट निकले हैं वो है विनका के कुछ प्लांट। ये दो तीन प्लांट निकले थे दोस्तों, इस पर ये दो ही सर्वाइव कर चुके हैं, कर रहे हैं। इस पर प्रोटोलुका के भी प्लांट थे कुछ, उनमें से ये एक प्रोटोलुका का शीट से प्लांट निकला था, ये बाकी और भी निकले थे दोस्तों, तो गिलेरियों ने खाकर बराबर कर दियो तो सब। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, नमस्कार।